पुलिस चौकी में ट्रक घुस गया है। मुंशी पुलिया पुलिस चौकी में ट्रक घुस गया है, अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया है। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। बुरी तरीके से पुलिस चौकी क्षतिग्रस्त हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस चौकी में ट्रक घुस गया है। मुंशी पुलिया पुलिस चौकी में यह ट्रक घुसा है, तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, और अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट भी गया है। वहां पर घुसने के बाद किसी के हताहत होने की खबर हालांकि नहीं है, लेकिन बुरी तरीके से पुलिस चौकी क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार बुरी तरीके से पुलिस चौकी क्षतिग्रस्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस चौकी में ट्रक घुस गया है। मुंशी पुलिया पुलिस चौकी में यह ट्रक घुसा है, अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया है। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। बुरी तरीके से पुलिस चौकी क्षतिग्रस्त हो गई है, अनियंत्रित होकर यह ट्रक पलट गया है। उमेश मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। उमेश, पुलिस चौकी में यह ट्रक घुस गया है, किस तरह से यह घटना हो गई? क्या कोहरे की वजह से यह पूरी घटना हुई है? क्या है पूरा मामला? देखिए, ये बात तो बिल्कुल, जो सीतापुर से रोड आती है मुंशी पुलिया चौराहे पर, वहां चौराहे पर एक पुलिस चौकी है थाना गाजीपुर की, जिसमें पुलिसकर्मी रहते हैं। हालांकि उस समय जब दुर्घटना हुई है, जब ये ट्रक पलटा है नियंत्रित होकर, तो उसमें चौकी के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे। सारे जो वहां पर तैनात पुलिसकर्मी थे वो अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थे। हालांकि किसी को हताहत होने कोई सूचना नहीं है मानसू, लेकिन जो मुंशी पुलिया पुलिस चौकी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और वहां पर ये जो ट्रक है ये बड़ा ट्रक है और इसमें चावल की बोरियां लदी थी। हालांकि जो ड्राइवर है उसको गंभीर चोट जरूर लगी है, उसको उपचार के लिए भेजा गया, हॉस्पिटल भेजा गया है। और जो वहां पर क्षेत्रीय पुलिस है वो वहां पर ड्यूटी वहां पर इकट्ठा हुई है, और कहीं कहीं वहां पर इस घटना के बाद से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उस भीड़ को भी हटाया गया है। वहां पर तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्रक मालिक हैं उन सबको बुलाया गया है कि आखिर ये चावल की बोरी कहाँ जा रही थी और क्या कुछ पूरा मामला है। हालांकि जो प्रथम दृष्टया सामने आया है ये अनियंत्रित होने के कारण ही ये ट्रक पलटा है। जी उमेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार